गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज हैं 28 जून और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज के अपडेट क्या हैं। शिक्षा विभाग सरकार की पगार, निजी स्कूलों का पैरोकार, विभागीय जाँच में आरोपी प्रमाणित, शिक्षा निदेशक ने जारी की चार्जशीट, संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के बाबू का कारनामा। नेक्स्ट अपडेट क्या है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शुरू हुए दाखिलों के आवेदन, यूजी पीजी कक्षाओं के लिए भर सकेंगे विद्यार्थी फॉरम। जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन, रिट लेवल 2 को बहाल करने की मांग को लेकर दिया धरना। कॉलेज की परीक्षा तिथियों में हुआ संशोधन। दोस्तों, अगर आपसे संबंधित कोई भी अपडेट है वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। सहायक प्रोफेसर सहित 94 पदों पर नौकरी के अवसर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हैदराबाद में निकली भर्ती, 15 दिन की समय अवधि। ये संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर ये विज्ञापन है। आवेदन की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 20/7/2022 है। संस्कृत सामान्य ग्रेड 3 सीधी भर्ती विज्ञप्ति यहाँ पर निकाली गई है 2022 अध्यापक लेवल प्रथम के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए, तो आप पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट क्या है, चलते हैं देखिए। अब नहीं होंगे पंचायत समिति शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन। अब हर शनिवार को स्कूलों में होगा नो बैग डे 1 जुलाई से लागू। बजट 2020 की घोषणा अब लेगी मूर्त रूप। 8 कॉलेजों में 4,250 सीटों के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। जनाधार कार्ड बना सारी सूचनाओं की कुंजी। पहले दिन डूंगर में 12 तो महारानी कॉलेज में 4 ने किया आवेदन। संस्कृत कॉलेज में प्रवेश प्रारंभ। मंगल और शुक्रवार को प्रार्थना सभा के बाद जिले के 2.25 लाख ननिहाल गटकेंगे दूध। साइंस मैथ्स में प्रवेश के लिए टक्कर, 83% जा सकती है मेरिट। 272 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। संस्कृत शिक्षा निदेशालय में निकली भर्ती, तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 के लिए निकाली गई 272 पदों पर भर्ती। जिला मेरिट से भर्ती हुई तृतीय श्रेणी शिक्षकों का अंतर, जिला स्थानांतरण आसान नहीं। बच्चे हंसते खेलते जाएं स्कूल, इसलिए शिक्षा विभाग लाया विद्या प्रवेश। पहली कक्षा में 3 महीने तक नहीं होगी पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई। प्रायोगिक फाइल 5 जुलाई तक जमा होगी। प्रदेश में 221 महात्मा गांधी स्कूल और खुले, इसी सत्र से होगी पढ़ाई शुरू। स्कूली बच्चों का टीकाकरण कम, बाल मेले में लगाएंगे टीके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्कूल में लगेंगे बाल मेले। 275 से ज़्यादा नर्सिंग संस्थानों की मान्यता पर संकट। अब साधारण पाठ भी समझ नहीं पाते 70% बच्चे। कोरोना के बाद दुनिया भर में गहराया सीखने का संकट। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 25,000 से अधिक पद रिक्त, पदोन्नति के चक्कर में नहीं कराया तबादला। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो को रोककर के आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको डेली यहाँ पर अपडेट है वो मिलती रहे। स्टेट ओपन परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। प्रारंभिक जांच, राजकोष को 50 लाख की चपत, 2 खातों में 2.27 करोड़ फ्रीज। शिक्षा विभाग में 2.5 करोड़ के गबन का मामला। प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सिद्धि भर्ती परीक्षा सावधान, आज से 3 दिन तक सड़कों, रोडवेज बसों में रहेगी भीड़। 4 अगस्त से शुरू होगी 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाएं, शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 11 जुलाई। जिला निष्पादन समिति की बैठक, स्कूली बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश। सांख्यिकी अधिकारी भर्ती काउंसलिंग कल से। राजस्थान कर्मचारी चयन प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा आज से। शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम, शिक्षकों को भी ब्रिज कोर्स के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित।
10 जुलाई तक सभी शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। महात्मा गांधी स्कूलों में पढ़ रही प्री प्राइमरी के बच्चों का परिणाम 10 जुलाई तक। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा, अस्पतालों में रिक्त पद 3608, भर्ती हो रही है मात्र 840 पर। जिला मुख्यालय के स्कूलों का एम हाल, न हेडमास्टर पूरे और न ही मास्टर, एक तरफ प्रवेश उत्सव, सरकारी विद्यालय बच्चों का प्रवेश लेने से डर रहे हैं। फिर विरोध मुखर, जेएनयू में से बाड़मेर व जालौर के 171 कॉलेज एमबीएमयू को ट्रांसफर के विरोध, प्रतिवेदनों पर सिंडिकेट में मंथन। सीबीएसई 9वीं व 11वीं के विद्यार्थियों का पंजीयन 1 जुलाई से। विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। प्रतियोगी परीक्षा के लिए अब सुलभ नहीं हो रहा स्टूडेंट को रोडवेज का फ्रीस पर। विश्वविद्यालय में पेपर लीक व पुराने पेपरों से परीक्षा मामले में हाई पावर कमेटी ने कई पक्षों को सुना। आज व कल होगी प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा का पहले चरण में 101 परीक्षा केंद्रों पर बैठेंगे 31752 अभ्यर्थी। प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा भूगोल 30 जून को एक चरण में आयोजित होगी। प्रवासियों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर देंगे खास ध्यान। 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 460 पदों पर 11 सितंबर को होगी परीक्षा। सिलेबस को लेकर असमंजस, अब तक कपड़ा मिला ना मिली राशि, यूनिफॉर्म की कब होगी सिलाई। प्रदेश में 2300 फॉरेस्ट गार्ड व 99 फॉरेस्टर की भर्ती जल्द। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आंगनवा में राजस्थानी साहित्य विषय की मंजूरी। अग्निपथ भर्ती में 94,000 आवेदन। भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई, अभी मात्र 4 दिन ही हुए हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की क्रमोन्नत करने संबंधी दिशा निर्देश जारी। क्रमोन्नत विद्यालय सत्र 2022-23 से होगा प्रारंभ। डिजिटल शिक्षा को मिले प्रोत्साहन, मिशन बुनियाद को किया जाए सभी जिलों में संचालित, उषा शर्मा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।